क्या विजय और रश्मिका ने कर ली है शादी? हेरा फेरी 3 से क्यों है अक्षय कुमार के एग्जिट? फिल्म एनिमल से रणबीर कपूर का लुक हुआ लीक, लगा कॉपी करने का आरोप। श्रद्धा केस पर कंगना ने किया रिएक्ट, देखिए इस हफ्ते की 10 बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज। क्यों विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना ने रचा ली शादी? इंटरनेट पर इनकी दूल्हा दुल्हन बने फोटो वायरल हो रही है। फोटो में दोनों ही व्हाइट आउटफिट में नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीर मॉफ्ड है। विजय के एक फैन पेज ने यह फोटो मॉफ करके तैयार की है। अब खबर अक्षय कुमार की। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 के लिए 90 करोड़ फीस डिमांड की थी, जो मेकर्स ने उन्हें देने से इनकार कर दिया। रिपोर्टेडली यही चीज कार्तिक आर्यन 30 करोड़ में करने के लिए रेडी हो गए हैं। खबरों के मुताबिक हेरा फेरी 3 के बाद अक्षय ने गवाई 2 और फिल्में, आवारा पागल दीवाना 2 और वेलकम 3। रिपोर्टेडली प्रोड्यूसर से मोटी फीस की मांग करना अक्षय को भारी पड़ा है। वहीं अक्षय ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में रिपोर्टेडली कहा कि उन्हें स्क्रिप्ट्स पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने दोनों फिल्मों को करने से मना किया है। एनिमल से रणबीर का लुक लीक होने के बाद अब लोग बॉलीवुड मेकर्स पर पाकिस्तानी एक्टर्स को कॉपी करने का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि रणबीर का लुक फवाद खान की फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट से कॉपी किया हुआ है। अमिताभ बच्चन की आवाज और उनकी फोटो को गलत तरीके से इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ बिग बी ने दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल सूट दाखिल कर एक्शन लेने की मांग की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत संबंधित विभाग को अमिताभ बच्चन से संबंधित चीजों को हटाने का आदेश दिया है, जिसके बाद उनकी परमिशन के बिना कोई भी अब उनके फोटो आवाज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वरुण धवन ने बॉलीवुड को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। रिपोर्टेडली एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने 10 सालों के दौरान बॉलीवुड को एक उद्योग के रूप में विकसित होते नहीं देखा है। मैं खुद का सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ। मुझे महसूस होने लगा है कि मैं अभी भी कॉम्पिटिटिव हूँ। मेरे पिता ने मुझे बताया कि हिट और फ्लॉप हर किसी के जीवन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़ो और खुद को नतीजों से इतना मत बांधे रखो। ऋजा चड्ढा ने कमेंट करके इंडियन आर्मी का मजाक उड़ाया और वो लोगों के गुस्से का शिकार बनी, जिसके चलते अक्षय कुमार ने भी ऋजा चड्ढा को लेकर खरी खोटी सुनाई। रिपोर्टेडली खिलाड़ी कुमार ने ऋजा के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया और ट्वीट किया कि ये देखकर दुख हुआ, हमें कोई भी चीज हमारी इंडियन आर्मी के प्रति एहसान फरामोश नहीं बना सकता, वो है तो आज हम हैं। श्रद्धा केस में कंगना रनौत ने दिल दहला देने वाली बात कही है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा है, वह देवी थी जिसके पास घावों को भरने की शक्तियाँ थी। वह कमजोर नहीं थी, वह एक लड़की थी जो परियों की कहानी में जीती थी। डालिए एक नजर। सोनम कपूर एक इवेंट में पहुंची। इस दौरान सोनम के पति आनंद आहूजा उनका शूज ठीक करते नजर आए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख नेटिजंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। हाल ही में ऋचा चड्ढा ने गलवान घाटी में हुए घटना के बारे में अपना रिएक्शन देते हुए ट्वीट किया था, जो नेटिजंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और साथ ही अब उस ट्वीट के कारण एक्ट्रेस के खिलाफ फिल्म मेकर अशोक पंडित ने FIR दर्ज करवाई है। हालांकि ऋचा ने ट्वीट डिलीट कर माफी भी मांगी।